नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या नगर निकाय चुनाव में आखिरी पलों में निर्दलीय प्रत्याशी एवं समाज सेवी के रूप में जाने जाने वाले सुल्तान अंसारी आज अपने मतदाताओं और दलबल के साथ शक्ति परीक्षण यात्रा निकाल कर मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन धर्मेंद्र। आपकी बात सुल्तान अंसारी सरकार। पूरी जनसैलाब आ गई है, सब आदमी के साथ सुल्तान अंसारी साथ लेके हैं। जहां ऐसा लगता है कि कोई बंदा आया और सब जितने भी समर्थक आज सर क्या कहना चाहेंगे आज? महाराज जी एक आज बोला भाई जी, महाराज जी अच्छा चलिए तो क्या कहना है सर? आज तो बड़ा जो है जनसभा आपका तुम्हारा हुआ है, तो कहता है हमारी यही अपील है कि आज जो हम लोगों का प्रचार का आग्रह है, तो यही अपील है कि हम लोग आने वाले 11 तारीख को महाराज क्या स्थिति है आज सुल्तान अंसारी की? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है और मैं अपील करना चाहता हूँ जो लावारिस लाशों के लिए ये अंतिम संस्कार के लिए अपना सब कुछ उछाला करता हो, ऐसे भाई सुल्तान अंसारी जी को आप लोग अपना जन समर्थन ये आज कह रहे हैं कि कोई चुनाव की बात नहीं, आपके वचन से आप पूरे समर्थक यहाँ के साथ है, जिस तरह के संतों भक्तों का आशीर्वाद मिल रहा है कि धार्मिक यहाँ के मुस्लिम सभी हर वर्ग के लोग इनके साथ हैं और निश्चित ही यहाँ चुनाव जो है एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और तमाम ऐसे जितने भी चुनाव इधर चुनाव हो रहा है उनमें आज नंबर एक में सुल्तान अंसारी बने हुए हैं, लगे हुए हैं। आज एक सबसे परीक्षण आपने देखा कि कितने लोग यहाँ के अभियान दास कुमार के कार्यकर्ता और यहाँ के जो मतदाता सारे मतदाता के साथ लगे हुए हैं, वो भी एक साथ एक जुटने के समर्थन में सुल्तान अंसारी सबसे परीक्षण में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यात्रा में शामिल है। जनसंपर्क करने के पूरे भारत का जो यहाँ करेंगे और मैं कहना चाहता हूँ कि आज वास्तव में आज यहाँ पे अभिराम दास वार्ड के जो है चुनाव का जो है परीक्षण हो रहा है, जिसमें आज सुल्तान अंसारी अभिराम वार्ड के सारे मतदाता आज यहाँ पर देखिए हमारे वार्ड के सुल्तान भैया बहुत अच्छे नौजवान जो है नेता बन रहे, इस समय अच्छे जो विकास करेंगे और हम लोग पूरा मोहल्लावासी जो है उनको समर्थन दे देंगे। हनुमान सुल्तान भैया नगर क्षेत्र में सबके लिए चुनाव लड़े थे, न लड़े हूँ, उनके पिताजी सबका समर्थन करते थे गरीबों का। आज हम दिखा रहे हैं सुल्तान नन्हे भाई जो है खान का, आज उनके साथ यहाँ पे तमाम लोग सैकड़ों लोग जा रहे हैं और उनकी पूरी के साथ क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है समर्पित है, पूरे तन मन धन समर्पित है। लोग देखिए पहलवान भी यहाँ पर है, तमाम लोग भाई यहाँ पे आ चुके हैं। किस साल में दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं सुल्तान अंसारी के लिए कितने लोग आज
पूरे वार्ड के लोग यहाँ पे उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ लगातार लगे हुए हैं। तो ये हैं सुल्तान अंसारी का आज यहाँ पे जिस तरह से अपने चुनाव मैदान में आज हैं और लगातार इनकी जो है बढ़त बनी हुई है, इनके साथ लोग समर्थन कर रहे हैं। हर हिंदू मुस्लिम सभी लोग इनके साथ हैं, संत महंत भी यहाँ के तमाम इनको आशीर्वाद दे चुके हैं। तो ऐसे आज हम दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह सुल्तान अंसारी अभी अपने उस कार्यालय से जो है निकाला है इन्होंने जुलूस और आज अपने साथ इस पूरे वार्ड को घूमते हुए निकलेंगे। थैंक यू। जाम देख सकते हैं किस तरह जाम लगा हुआ है, पूरी तरह आप जाम यहाँ देखें, हर जगह जाम लगा हुआ है। पुलिस ने ठीक पता लगा यहाँ पे, एक भी गंदा यहाँ पे आ सकता कि पुलिस को यहाँ पे थोड़ा ठीक हटावे, तो ये लापरवाही है यहाँ की पुलिस को वाले पुलिस वाले हैं, क्योंकि अवसर पता है मनोज शर्मा जो है वो चुनाव देखता है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार जो है आप दिखाई देते हैं, वो जिम्मेदार लोग देखिए वो घूम टहल रहे हैं। तो ऐसे पुलिस वाले यहाँ पे ऐसे तैनात किए गए हैं जिनके पास कोई काम नहीं है कि यहाँ पे आकर के जो है पुलिस की व्यवस्था देखें। यहाँ पे पास जाम लगा हुआ है, आज मंगल है, बड़ा मंगल है, उसका आज जो है प्रभाव दे सकते हैं किसके साथ यहाँ पे। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि रिक्शा वालों पर कहीं कोई कंट्रोल नहीं है, सबसे अभी आप देखिए जिस तरह दिखाई यहाँ पे जिस तरह दे सकते हैं सिर्फ एक रिक्शा दिखाई पड़ा है, बाकी कुछ नहीं दिखाई पड़ा। और यहाँ पुलिस वाले कुछ पैसा लेकर के इनको इतना छूट दे दिया है, जिस तरह से हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे गाड़ी घूम रही है और इस पर इसके कारण इसी कारण जो जाम लगता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जाम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ देख करके छोटी गाड़ी देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ बड़ी छोटी दुकानें दिखाई, छोटी दुकानें में भीड़ लगी हुई है और इस पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भीड़ में किसी कार्य पुलिस वाले जिस तरह से यहाँ लापरवाही कर रहे हैं, एक भी पुलिस वाला यहाँ नहीं है, अयोध्या पोताली है, अयोध्या पोताली को देखिए सारे जो पानी भरने चले आ रहे हैं, उनको प्यास लगी लेकिन भीड़ से इनसे नहीं है, इनका काम है दरोगा यहाँ के जो बैठे हुए हैं दीवान पुलिसकर्मी उनको क्या पानी पिलावें, लेकिन उनसे इससे मतलब नहीं कि भीड़ यहाँ लगी है, किस तरह से भीड़ हटाया जाए, कैसे यहाँ से सामान यहाँ के नागरिकों को जो है सुविधा दिया जाए, जो यात्री आते हैं वो तो यहाँ पर किस तरह से जो है उनको परेशानी उठानी पड़ती है, ये यहाँ दिखाई पड़ रहा पुलिस वालों को, ये अपने यहाँ पर पट्टी बांध करके कान में रीट खूस के बैठे हुए हैं और एक भी पुलिस वाला अभी तक नहीं आ रहा है यहाँ पे। दिखाइए किस तरह से हम लोग मोबाइल में व्यस्त हैं और मोबाइल के अलावा इनका कुछ सूचना नहीं है, अपनी ड्यूटी पर कितनी सजग हैं। यहाँ के सी ओ महोदय में सिटी महोदय को किस तरह से घंटे जो है ट्रैफिक घूम में जो है यात्री यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, यहाँ के जो है नागरिक परेशान हो रहा है, तो ये सबसे पहले तो ई रिक्शा पर कंट्रोल करनी चाहिए कि ई रिक्शा को ऐसे समय पर अयोध्या के अंदर एंट्री नहीं करना चाहिए, नया घाट लेकर के बिरला तक जो है इनको बैन लगाना चाहिए कि ये मुख्य मार्ग पर ना रहें। और ये लापरवाही है तो किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस कितनी सतर्क है, कितनी सजग है, कितनी भी जिम्मेदारी निर्वाहन कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि ये ठीक अयोध्या के पोतले के ठीक सामने जो इनकी स्थिति है उस पर इनको जो है निश्चित पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदार कितने गैर जिम्मेदार काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़े खेल तरीके से है। मैं अध्यक्ष नीरज स्वास्थ्य करूँगी, ये एक ऐतिहासिक जो है चुनाव का एक समीकरण दिख रहा है, जो हिंदू गंगा जमुनी तहजीब दिखाई पड़ रही है, हिंदू मुस्लिम का जो एक जहाँ दिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम का जिस साल भाईचारे से यहाँ पे है वो एक मिसाल यहाँ पे सुल्तान अंसारी काम किया है। मैं अध्यक्ष नीरज स्वास्थ्य धर्मेंद्र।